हेलो दोस्तों, आपको मेरी चैनल में स्वागत है। आज सीखने वाले हैं कि इस मिरर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। और अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक बात, अगर आप स्टार्टअप्स हैं तो आप ये बड़ी वाली लेयर्स से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बड़ी वाली लेयर्स ढूंढना आसान है। अगर आप नीचे से या फिर साइड से करते हैं तो छोटी लेयर्स बहुत मिलती हैं, जैसे ये, इसकी तरह ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे करने में, इसलिए अगर स्टार्टर्स है तो बड़ी वाली लीजिए। हाँ, तो ये ख़राब हो गया। देखते हैं ये इसमें बड़ी पीस कौन सी है। बड़ी पीस ये होती है कि उसके उल्टा, मतलब ऑपोजिट साइड बहुत नीचे होती है। ये बड़ी है, इसकी नीचे साइड आगे है। अगर इससे भी आगे कोई है तो ढूंढ लेते हैं। ये और आगे है, मतलब ये होगा बड़ी पीस। तो इस तरफ सारे बड़ी पीसों को चेक करते हैं। ये एक बड़ी पीस लगती है, एक बार लगा के देख लेते हैं। हाँ, ये सेट हो गया। आपको पहले ये बनाना है कि प्लस, अगर आप रूबिस क्यूब, मतलब कलर क्यूब को बना लेते हैं तो ये बनाना आपको बहुत आसान होगा। पहले क्या करना है कि प्लस, और एक बड़ी पीस ढूंढ लेते हैं। ये है, नहीं ये नहीं, और एक, ये भी नहीं। इसे ट्राई करते हैं। आपको सारी पीसों को खड़ी करनी है, ना कि सुलाना और कुछ करना। ये देखिए, ये पीस सेट हो गया। सुलाना मतलब अगर पीस ऐसी है, अरे सही हो जाना, पीस ऐसी है और आपको ऐसे करते हैं तो होता नहीं, इसलिए आपको खड़ा कीजिए। इसे इसके सही जगह में रखते हैं, मतलब इसकी जो हाइट है वो बगल वाले से भी इक्वल होना है। हाँ, ये इक्वल है, ये बन गए हमारे दो। और बड़ी पीस कौन सी है, इसकी मोटाई भी देख लेते हैं। ये बहुत मोटा है, शायद यही होगा। हाँ, ये सेट हो गई, और ये भी। अब हम ये देख लेते हैं, ये अंदर है, मतलब इसकी पतली पीस और लंबी पीस होगी। पतली और लंबी ढूंढ लेते हैं, शायद ये है। सही से घूमना तो। हमारा पहला एम खत्म, प्लस हो गया, और उसके बगल के पीस भी सेट हो गए। अब हमारी कॉर्नर पीसेस सेट करनी है। इसमें सबसे बड़ा है ये जगह, मतलब इस जगह में सबसे बड़ा पीस ही आएगा कॉर्नर में। सबसे बड़ा है तो इनमें से ये और ये है, इन दोनों में ही एक होगा। इसे नीचे ला लेता हूँ मैं। फिर से ट्राई करता हूँ इसके साथ। और एक बार फिर से, नहीं हो रहा तो और एक पीस होगी, दूसरी पीस होगी, शायद ये यहाँ आएगा। नहीं,
आपने ध्यान दिया होगा कि पहले मैं जो बना रहा था तब ये पीस उल्टी थी, कभी सो रही थी, कभी खड़ी थी, कभी उस तरफ कभी इस तरफ, ठीक नहीं थी। पर हमको ट्राई करना चाहिए, मतलब देख लेते हैं इसको। इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम लोगों को। ये हो गई सबसे बड़ी जगह, ये है और बड़ी भी यही है, पर इसमें फिट नहीं हो रही, तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर फिट नहीं हो रहा तो और एक बार जिस लेयर पे आप लगाए थे उसे नीचे करिए, उसके उल्टा तरफ मतलब लेफ्ट साइड कर दीजिए। अगर आप राइट लेयर को करते हैं तो इस कॉर्नर को लेफ्ट साइड लाजिए और फिर से ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं हुआ तो फिर से इस बार उस तरफ सोया। ये क्लोज है और एक बार, हाँ इस बार हो गया शायद, हाँ हो गया। देख लीजिए ना ऐसे होता है ये क्यूब, ये देखिए खड़ा है इस तरफ नीचे से और ये ऊपर से खड़ा होना है। इसको भी ऐसे ही करते जाएंगे हम। हो गया और एक पीस और है, इसमें मुश्किल होगी क्योंकि कॉर्नर पीस एक बची है और यह इतने सारे हैं, थोड़ा लंबा, इसके जितना मोटा चाहिए हमें और पतला भी। शायद ये नहीं होगा कोई, शायद यही होगा क्योंकि सबसे लंबा तो यही है। ट्राई करते हैं एक बार, हो गया यही है। और हमको अब मुड़ना चाहिए सेकंड लेयर की तरफ, सेकंड लेयर से आपको फॉर्मूला। अब इसे हमें डाउन लेयर पे लाना चाहिए। इसके लिए आपको करना है आर डैश, आर डैश मतलब नीचे, आर मतलब राइट, राइट लेयर, जो लेयर आप राइट साइड पर है जी वो लेयर उसे नीचे करना है और उसके बाद डी, डी मतलब उस तरफ, फिर आर डैश, फिर से डी, फिर लेफ्ट वाला नीचे करना एल, एल मतलब लेफ्ट और डी डैश, डी डैश मतलब डाउन लेयर, डाउन लेयर जो है वो लेफ्ट साइड। और ये बन गया, यहाँ का लेयर डाउन पे आ गया, देख लीजिए यहाँ आ गया। अब ट्राई करते हैं कि कहाँ पर होगा, ये फिट हो गए। रूबिक्स क्यूब में भी ऐसे ही होता है पर उसमें रंग चलाने पड़ते हैं, रंग। और जो लेयर आपको फिट लगती है उसे चेक कर लेते हैं। हाँ इस तरफ है ये। हाँ अब इस लेयर को हमें फिर से ऊपर करना है, ये साइड इस तरफ है, ये वाला ये मिडिल पीस इसमें आएगा, मतलब इसके उल्टे डायरेक्शन में करना है हमें, लेफ्ट साइड डाउन करना है और डाउन किया हुआ उसे फिर से इस ये मिडिल पीस जो है इसे फिर से मिलाना है, पर इसको छेड़छाड़ मत करनी है, इसे फिर से उल्टा ऊपर कर दीजिए। ये कॉर्नर पीस गया पर इससे आपको कुछ नहीं होगा, फिर से हम इसे वहाँ रख देंगे। अब इसे उस तरफ कीजिए, जिस कॉर्नर जिस साइड हम रखना चाहते हैं उसकी तरफ, उसके मिडिल पीस की तरफ, और आपकी राइट लेयर डाउन, डाउन हो गया। और डाउन लेयर इस कॉर्नर को फिर से मिला दीजिए, इससे इसे ऊपर कर दीजिए, ये मिडिल पीस सेट हो गया। ऐसे ही सारे मिडिल पीसों को हमें सेट करना है। अब इसे चेक करते हैं, हाँ ये यहाँ पर आएगा तो, क्योंकि इससे मिल गया। और ध्यान रख लीजिए अगर आपकी पीस यह ऐसे मिलती है और यहाँ भी मिलती है इसके साथ, तो ये इसकी जगह होगी, इसकी जगह वही होगी।
अब हम इसे यहाँ रख देते हैं पहले की तरह। लेफ्ट साइड मोड़ दीजिए डाउन लेयर को, राइट लेयर को डाउन, डाउन लेयर को फिर से राइट, राइट लेयर को फिर से अप, डाउन लेयर को फिर से राइट। अब इसकी पोजीशन चेंज कीजिए आगे। ये ध्यान में रख लीजिए कि आप जो पीस बनाना चाहते हैं वो आपके सामने हो। और ये फिर से लेफ्ट लेयर डाउन, डाउन लेयर राइट, लेफ्ट लेयर अप। और यहाँ और एक पीस, ये बड़ी है मोटी, ढूंढ लेते हैं, यही है सबसे बड़ी और मोटी, और वही कीजिए। ये फिर से लेफ्ट को आया, मतलब डाउन लेयर राइट, राइट लेयर डाउन, डाउन लेयर राइट, राइट लेयर अप, डाउन लेयर फिर से राइट। मैंने क्या बोला था, आपकी जो पीस बना रहे हैं वो आपके सामने हो। और ये लेफ्ट लेयर डाउन, डाउन लेयर फिर से लेफ्ट, ये लेफ्ट लेयर अप, सेकेंड लेयर भी खत्म। अब थर्ड लेयर की तरह मुड़ते हैं, पर रूबिक्स क्यूब में तो ये लाइन बनती है, कलर वाली लाइन, पर इसमें जो करते हैं वो स्ट्राइट लाइन, कलर वाली नहीं साइज वाली होती है। जो साइज हमने देखा वो स्ट्राइट लाइन में है, मतलब स्ट्राइट लाइन को हमारी आगे नहीं होना है, साइड पे होना है, लेफ्ट और राइट होना चाहिए उसकी दोनों हाथ। और आपकी आगे जो पीस है, मतलब फ्रंट, फ्रंट वाली को लेफ्ट की साइड मोड़ दीजिए। और ये खराब हो गया, पर इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए उतना। राइट लेयर फिर से अप, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट साइड जानी चाहिए उस तरफ, राइट लेयर डाउन, ये खराब होगी पर इससे कुछ नहीं होगा, फिर से सेट हो जाएगा। ये ऊपर वाली लेयर फिर से राइट, ये फिर से नीचे कर देंगे फ्रंट वाली लेयर। अब देखिए पहले लाइन था, अब प्लस बन गया। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ दो मिलनी चाहिए, सारी साइज मिलनी चाहिए, पर यहाँ मिल नहीं रही, ये दोनों मिल नहीं रही, ये मिल रही है। इसमें भी वही करना है, ये स्ट्राइट लाइन जो है जो दो मिलती है, यहाँ आपको दो केस मिलती है जनरली, एक है आपकी दो साइड ये और ये मिलती है, दूसरी केस आपकी ये और ये मिलती है जैसे हमारी है। अब ये करना है कि आप हमको राइट वाला अप, ऊपर वाला दो बार लेफ्ट की तरफ, अब ये राइट वाला डाउन, ये ऊपर वाला राइट की तरफ आ जाएगा, ये राइट लेयर जो है फिर से ऊपर आएगा, और ये फिर से राइट, ऊपर वाली लेयर, राइट लेयर फिर से डाउन। अब देखते हैं हम जो दो लेयर, हमने क्या बोला था, दो सेकंड केस पे आ गए हम, दो मिल गई साइड बगल की तरफ और दो मिलती नहीं। अब ये करना है हमको कि ये जो है इसे एक आपकी लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, एक आपकी राइट की तरफ होनी चाहिए, मतलब जो बना नहीं, एक आगे की तरफ एक राइट की तरफ, और ये राइट वाला अप, फिर से वही करना है हमको, ऊपर वाला दो बार लेफ्ट, राइट वाला फिर से डाउन, ऊपर वाला राइट, ऊपर वाली राइट को आगे, और राइट वाली फिर से ऊपर, ऊपर वाली फिर से राइट, और ये डाउन। अब देखते हैं एक बार ऊपर, ऊपर वाला फिर से घुमाइए, देख लीजिए सारी मिल गई।
अब हमारी कोशिश ये है कि सारे कॉर्नर पीसेस को मिलाना है। अब हमको और एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हमको ये देखना है कि ये जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर है कि नहीं। आपकी है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये यहाँ पर होनी चाहिए, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, सारी गलत जगह पर है। ये एक ही सही जगह पर है तो ये आपके सामने पर रखी है। अगर आपकी कुछ भी मिलती नहीं तो किस जगह पे भी रख लीजिए, आपकी फ़र्क नहीं पड़ती। ये लेफ्ट वाला अप, ऊपर वाला लेफ्ट, फिर से राइट वाला अप, राइट वाला राइट वाला ऊपर वाली, फिर से राइट, लेफ्ट वाला डाउन, ऊपर वाला फिर से लेफ्ट, राइट वाला डाउन, ऊपर वाला फिर से राइट। देखते हैं अब मिली कि नहीं। नहीं मिली तो फिर से करते हैं, लेफ्ट वाला अप, ऊपर वाला लेफ्ट, राइट वाला अप, ऊपर वाली राइट, लेफ्ट वाली डाउन, ऊपर वाली लेफ्ट, राइट वाली डाउन, ऊपर वाली राइट। अब देखिए दो मिले, दो मिले नहीं, तो जो मिला नहीं उसे आपके सामने रखिए। और राइट वाला डाउन, डाउन वाला, अब डाउन वाले पे आएंगे फिर से हम, डाउन वाला लेफ्ट, ये राइट वाला फिर से अप, डाउन वाला राइट, राइट वाला डाउन, डाउन वाला लेफ्ट, राइट वाला अप, डाउन वाला राइट। देखिए और हमारा ये पीस हो गया। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी सारी पीस ख़राब हो गई, ये आपको नहीं देखना है। ख़राब हो गई तो हो गई, फिर से लास्ट पे आने पर हमारी सारी पीस मिल जाएंगी। और एक चीज़ आपको ऐसे ही पकड़ी देनी चाहिए, ऐसे छोड़ दिया और यहाँ पर पकड़ लिया, ऐसे घूम लिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसे पकड़े हैं तो ऐसे ही पकड़िए जैसे पकड़े हैं, क्योंकि अगर ऐसे पकड़ेंगे और करेंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको ऊपर वाली लेयर घुमा लीजिए, राइट वाली डाउन, डाउन वाली लेफ्ट, राइट वाली अप, डाउन वाली राइट, और फिर से राइट वाली डाउन, डाउन वाली लेफ्ट, राइट वाली अप, डाउन वाली राइट, राइट वाली डाउन, डाउन वाली लेफ्ट, राइट वाली अप, डाउन वाली फिर से राइट, राइट वाली डाउन, डाउन वाली लेफ्ट, और ये ऊपर कर दिया राइट को। देखिए सारे मिल गए। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जो पीस आपकी ऊपर उल्टा ये हो गया, अगर पूरा करने के बाद भी हो गया तो और एक बार करिए पूरा, क्यों पहले से फिर से भी पूरा नहीं मिलता तो आपकी पीसेस में गलती है। मतलब ये कि कुछ ऐसा घुमा लिया आपके दोस्त ने या फिर कुछ और कर दिया, मतलब ऐसे मेरा घूमता नहीं ऐसे हो जाता है, हो गया तो आपकी नहीं मिलती, आपको घुमाना पड़ता है। जब आप थर्ड लेयर पे आते हैं, आपको कई बार ये केस भी मिलती है कि आपकी जो मिडिल पीस है वो एल की तरह बदल जाती है। इसमें आपको करना यह है कि जो बनी है एक आपकी तरफ और एक आपकी राइट की तरफ होनी चाहिए, और आपकी राइट वाली एफ वाला फ्रंट वाला लेफ्ट साइड की तरफ, राइट वाला ऊपर की तरफ, ऊपर वाला फिर से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ करने के बाद राइट वाली फिर से नीचे, ऊपर वाली राइट की तरफ, और फिर से डाउन। देख लिया ना, एल बन गया। इसके बाद आपको और एक केस भी मिलती है कि थर्ड लेयर पे एक ही बना होता है, पूरी तरफ कुछ नहीं बनी होती, एल नहीं बनी होती, स्ट्राइट लाइन नहीं, प्लस भी नहीं, कुछ नहीं बना होता। तो आपको फिर से वही करना है, फ्रंट वाली लेफ्ट, राइट वाली ऊपर, ऊपर वाली लेफ्ट, राइट वाली डाउन, ऊपर वाली राइट, फ्रंट वाली फिर से डाउन। देख लिया ना, एल बन गया। एल बनने के बाद पूरा वीडियो में है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ఇప్పుడు చీరాలలో ఎముకల సమస్యలకు ఓపీ మరియు ఎక్స్రే కి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్, చర్చి రోడ్, చీరాల. సెల్ 9000808198. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తాడివలస దేవరాజు, MBA, BL.